हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो प्लान है वो हमारे क्लाइंट मिस्टर आर के मिश्रा जी के लिए मैंने ये प्लान डिज़ाइन किया हुआ है। ये दो ब्रदर्स हैं, दो भाइयों के लिए ये प्लान मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। उनके दो दो भाई लोग हैं, तो जो कि हमारे क्लाइंट जो हैं वो भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैंने दूसरा प्लान डिज़ाइन किया हुआ है। इससे पहले ही मैंने एक प्लान डिज़ाइन किया हुआ था। तो चलिए देखते हैं आज का प्लान और समझते हैं आज के प्लान के डिटेल्स। पहले आप देख रहे हैं ये जो है कार पार्किंग है, ये क्या है कि नीचे में जो पूरा है, पूरा जो ग्राउंड फ्लोर पे है, ये इसमें कार पार्किंग डिज़ाइन किया गया है और इसके ऊपर में फर्स्ट फ्लोर में रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आगे स्टार्टिंग में 22 फीट लंबाई है, इसका जो चौड़ाई है 22 फीट है, लंबाई इस डायरेक्शन में 58 फीट है, इस तरफ जो है 65 फीट है, माफ़ करें 56 फीट है, 56 फीट है, और पीछे जो है 30 फीट है। तो ये जो प्लॉट है वो पूरा स्क्वायर नहीं होके चारों तरफ का इसका जो लंबाई चौड़ाई जो है वो अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं, ये बराबर हिस्सों में बांटा गया है स्क्वायर फीट में, ताकि दो लोग हैं तो इसमें कुछ परेशानी ना हो। तो यहाँ पे कार पार्किंग में जाने के लिए यहाँ पे 6 फीट, अब मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, 6 फीट 9 इंच लंबा यहाँ पे गेट है, जो कि ये ओपन होगा तो सीधे, जब ये ओपन हो जाएगा तो सीधे हमारी जो कार है इसमें कार पार्किंग हो जाएगी, इसमें चली जाएगी। इसके लिए इसमें यहाँ पे 3 कार पार्किंग दिया गया है। इसमें कॉलम्स के भी लेआउट दिए गए हैं, ताकि जो कॉलम जिस साइज के कॉलम्स आएंगे इसमें हमारे इस बिल्डिंग में, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे कॉलम्स हैं, इनका भी मैं आगे क्या साइजेस हैं वो मैं आगे मेंशन किया हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 फीट 6 इंच जो है इनके अपनी जगह में आगे इधर में छोड़ा गया है, अपनी जगह में इन्होंने 1 फीट 6 इंच इधर के लिए स्पेस दिया गया है, और ये इधर में भी छोड़ा गया है राइट साइड में भी, तो जिससे वेंटिलेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 कार पार्किंग दिया गया है 563 स्क्वायर फीट में, और यहाँ से आगे से ही हमारी जो सीढ़ी है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ से सीढ़ी से होते हुए हम अपने फर्स्ट फ्लोर में चले जाएंगे। यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो है आगे में भी कॉलम्स दिए गए हैं, सारे कॉलम्स एज पर द डिज़ाइन ये फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम के साइज़ दिए गए हैं, C1 मतलब सी मतलब कॉलम, C1 जो है 9 इंच बाई 9 इंच के है, और C2 जो है 9 इंच बाई 15 इंच के है। C2 का ये जैसे आप देख रहे हैं 9 इंच चौड़ाई है इस डायरेक्शन में, 1 फीट और 3 इंच 15 इंच का है ये। और इसमें जो दरवाजे यूज़ किए गए हैं डी से डोर, और D1 से भी डोर होगा, और D1 जितने भी हैं डोर हैं, और विंडो W से, और वेंटिलेशन के लिए जो सारे के साइजेस यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि हम अपने फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल करेंगे। पीछे में भी ये खुला हुआ, पीछे में ड्रेनेज है, नाला है। तो यहाँ पे इसमें अभी हमने ग्राउंड फ्लोर का प्लान देखा, और अभी हम देखेंगे इसमें फर्स्ट फ्लोर का प्लान। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि अभी इसमें कार पार्किंग केवल डिज़ाइन किया गया है, तो अभी चलिए देखते हैं फर्स्ट फ्लोर का प्लान। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के बाद अभी हम आ गए अपने फर्स्ट फ्लोर के प्लान में, और साइजेस सेम ही हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे अब सीधे हम जो देख रहे थे, तो ये हमारा ये फ्लैट नंबर 1 है, फ्लैट वाइज सिस्टम डिज़ाइन किया गया, फ्लैट ए है, और पीछे वाला जो पार्ट है वो फ्लैट बी है। तो जैसे भी मैं बात कर रहा था यहाँ पे सीढ़ी से, जैसे हम आ जाएंगे अपने फर्स्ट फ्लोर पे, तो जब फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे यहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर पे जब पहुँचेंगे यहाँ पे सीढ़ी जो आपने को मैंने ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ी दिखाई थी, वो यहाँ से होते हुए जब अपने फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचेंगे, तो ये जो सीढ़ी अभी देख रहे हैं आप, ये सेकेंड फ्लोर पर जा रही है। तो हम फर्स्ट फ्लोर पर जब यहाँ पहुँच गए हैं, तो यहाँ से सीधे अब अपने फ्लैट नंबर फ्लैट ए में आ जाएंगे। फ्लैट ए में आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जाने के लिए जो दरवाजा है 4 फीट चौड़ा है, जो जैसे मैंने साइज में साइज नीचे दिखाए हैं, यहाँ पे एक सीधे एक बड़ा हॉल मिल जाता है, 17 फीट और 7.5 इंच का बड़ा हॉल है ये, जिससे हम अपने हॉल से ही सारे रूम्स में एक्सेस मिलता है हमको। यहाँ पे पूरा ये एज ए लिविंग एरिया भी आप यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के तौर पे। यहाँ पे 2 सोफे प्लेस किए गए हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस किया गया है, यहाँ पे भी सोफ़ा है, और इधर से हम अपने इस कमरे में जा सकते हैं। यहाँ पे जो कमरे का जो लंबाई है 10 फीट बाई 10 फीट का है, और यहाँ पे इसमें एक और यहाँ पे टॉयलेट मिल जाता है, जो कि कॉमन टॉयलेट है, एक ही टॉयलेट में इस फ्लैट में डिज़ाइन किया गया, जो कि काफ़ी बड़ा है, 3 फीट और 8 इंच का इस डायरेक्शन में चौड़ाई मिल जाता है, 11 फीट लंबाई है,
माफ़ करें, ये जो कमरा है 10 फीट बाई 11 फीट है, 11 फीट इसका चौड़ाई है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए कुछ इशू नहीं है, जो कि हमारा मैंने बताया था कि 1 फीट 6 इंच जगह छोड़ा गया है, तो इधर में जो भी स्मेल होगा वो इधर में बाहर की तरफ चला जाएगा। इसके लिए जो विंडो है इस अपने ही पोर्शन में ओपन होता है, अपनी ही जगह में खुलता है यहाँ पे, तो जो कि यहाँ पे 5 फीट बाई 5 फीट का विंडो है। तो अभी आ जाते हैं इस एरिया से अपने किचन में और बेडरूम में। यहाँ पे एक किचन डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं 8 फीट 6 इंच इसका लेंथ है, लंबाई है, और 9 फीट 6 इंच इसका चौड़ाई है। इसके लिए भी हमारे फ्रंट में हमारे जो बालकनी वाले पोर्शन में यहाँ पे विंडो मिल जाता है, और यहाँ पे एक बड़ा किचन मिल जाता है। इधर से अपने बेडरूम में आ जाएंगे, 12 फीट बाई 11 फीट का कमरा है, 11 फीट इस दीवार से लेकर यहाँ तक है और 12 फीट लंबाई है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक डोर मिल जाता है यहाँ पे, इस कमरे के लिए 2 विंडो मिलते हैं, जो कि एक हमारे अपने इस जगह में ओपन होता है, जो कि 1.5 फीट हमने जगह छोड़ रखी है, और दूसरा हमारी बालकनी वाले पोर्शन की तरफ ओपन होता है। तो 2 विंडो मिलते हैं इस कमरे में, इसको एज ए मास्टर बेडरूम यूज कर सकता है, क्योंकि भाई ये काफ़ी बड़ा कमरा भी है। यहाँ पे एक डोर मिल जाता है, जो कि ये ओपन करके सीधे हम अपने इस बालकनी में आ सकते हैं। बालकनी का जो चौड़ाई है यहाँ पे फ्रंट में 3 फीट है, और यहाँ पे जो चौड़ाई है 1 फीट 6 इंच है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला सिस्टम अच्छा लगा होगा। तो अभी चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर करिए दोस्तों, क्योंकि मैं हाउस प्लान से रिलेटेड बहुत ही सारे वीडियो आप सभी के लिए अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अभी फ्लैट नंबर बी। तो यहाँ से ही अपने फ्लैट नंबर बी में जाने का ऑप्शन है। ये वाला जो पोर्शन है 563 स्क्वायर फीट का है, और ये वाला 562 स्क्वायर फीट का है, 1 स्क्वायर फीट कम है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दीवार इधर टेढ़े में है, इधर में भी इधर सीधी है, पीछे में दूसरा अभी। तो सीधे यहाँ पे एंटर करते हैं अपने हॉल में। यहाँ पे भी लगभग 14 फीट मिल जाता है, 13 फीट 11 इंच है, लगभग 14 फीट है लंबाई, और 14 फीट 7 इंच इसका चौड़ाई भी है। तो यहाँ पे स्क्वायर में हॉल मिल जाता है, यहाँ पे भी सोफे प्लेस किए गए हैं, और डाइनिंग टेबल के लिए यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस किया गया है, जिस पर आप डाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी के सामने यहाँ पे बेडरूम मिल जाता है। यहाँ पे जो बेडरूम्स हैं 10 फीट बाई 10 फीट का ये कमरा है। इसके लिए जो विंडो है अपनी जगह में यहाँ पे ओपन होता है, जो कि 5 फीट बाई 5 फीट का विंडो है। यहाँ पे जो दरवाज़ा है 3 फीट बाई 7 फीट का है। तो अभी आ जाते हैं इधर से अपने इस टॉयलेट को देख लेते हैं। यहाँ पे 10 फीट बाई 3 फीट 6 इंच का यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए भी हमारी इस जगह में एक जो फैन आ जाएगा 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का, तो जो स्मेल होगा सीधे इधर बाहर की तरफ अपनी इस जगह की तरफ निकल जाएगा। यहाँ पे अभी सामने किचन मिल जाता है अपने यहाँ पे डाइनिंग टेबल के पास में। तो यहाँ पे एक किचन है, यहाँ पे 7 फीट 2 इंच इसका चौड़ाई है, 11 फीट 6 इंच इसका लंबाई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक विंडो मिल जाता है 5 फीट बाई 5 फीट का, जो कि हमारे पीछे बालकनी वाले पोर्शन की तरफ ओपन होगा, तो जिससे इस किचन का धुआं जो भी होगा पीछे की तरफ निकल जाएगा और रोशनी भी प्रॉपर आएगी। यहाँ पे हम आ जाते हैं इधर से अपने इस बेडरूम में। यहाँ पे जो बेडरूम है इस यहाँ पे है 14 फीट 2 इंच इसका लंबाई मिल जाता है, 5 फीट 8 इंच इसका चौड़ाई, माफ करें 8 फीट 5 इंच इसका चौड़ाई है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे 6 फीट बाई 6 फीट का बेड मिल जाता है। ये जो दरवाजा है 3 फीट बाई 7 फीट का है। इसके लिए भी 2 विंडो मिलते हैं इस वाले पोर्शन में, 3 फीट बाई 4 फीट का विंडो मिलता है, जो कि अपनी जगह में है। ये जो आप ग्रीन कलर का जो लाइन देख रहे हैं ये हमारी इनकी अपनी जगह है, और यहाँ पे जो विंडो मिलता है ये बालकनी वाले पोर्शन में होता है, जो कि हमारे बालकनी वाले पोर्शन की तरफ ओपन होगा। यहाँ पे भी जो लाइन देख रहे हैं ये हमारी बालकनी का पोर्शन है। यहाँ पे ये जो 1 फीट 6 इंच यहाँ पे बालकनी दी गई है, जो चौड़ाई है 1 फीट 6 इंच है। यहाँ पे एक दरवाज़ा आप लगा सकते हैं, यहाँ पे मैं दरवाज़ा लगाना मिस कर गया। तो यहाँ पे एक जो दरवाज़ा है ये वाला जो 2.5 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है, यहाँ पे लगाएंगे तो ये ओपन करके अपने इस बालकनी में जा सकते हैं। यहाँ पे बालकनी में जा सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं। यहाँ पे जो कॉलम्स के साइज मैंने बताया, ये सारे कॉलम्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ से कैंटिलीवर हो जाएगा। यहाँ से ये जो बीम्स हैं, यहाँ पे ये जो बीम्स हैं सारी ये सीधे हमारे यहाँ तक जाएंगी, यहाँ पीछे तक जाएंगी। तो यहाँ पे तो मुझे उम्मीद है आपको प्लान ये अच्छा लगा होगा, अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आपको कोई प्लॉट है जिसका आपको नक्शा चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं ना वीडियो में नए प्लान के साथ में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।